इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ राजस्थान के सिरोही में केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ जो आरोप है वो जो दर्ज कराया गया, इस पर पूरी खबर आप देखिए क्या है पूरा मामला। बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान सिरोही में हुई आम सभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बयान दिया था उससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि सिरोही में रामनवमी के जुलूस में पथराव हुआ और बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान को लेकर राजस्थान के सिरोही में मामला दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ झूठा भाषण देने और सिरोही शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 505 और 120B के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नजायज फायदा उठाने के लिए हिंदू और दूसरे धर्म के बीच नफरत फैलाने और शत्रुता बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा है कि गजेंद्र सिंह की ओर से दिया गया भाषण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हेट स्पीच की श्रेणी में है।